या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल प्रियंका। सोलापूर शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। सोलापूर शहरात मौलाली चौक शास्त्री नगर परिसरात राहणाऱ्या सोहेल ख्वाजा नदाब वय वर्ष 22 या मुलाने राहत्या घरी छताच्या कोपऱ्याला साडी बांधून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार सोहेल नदाब यास कर्ज होते। त्यांनी ज्याच्याकडून कर्ज घेतले त्या सावकाराकडून सोहेल नदाबला वारंवार तगादा लावून त्रास दिला जात होता। त्यामुळे त्याने हे मोठे पाऊल उचलल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले आहे। घरातील व्यक्तींनी सोहेल नदाबचे कर्ज फेडण्यासाठी सावकाराला वेळोवेळी पैसे देतच आले, तरी देखील सोहेल नदाबला सावकारांनी वारंवार पैसे मागून त्रास दिल्याचे नातेवाईकांनी लोकप्रधानशी बोलताना सांगितले आहे। सोहेलच्या आत्महत्याच्या कारणामुळे नातेवाईकांनी सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय म्हणजे सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे। पाहुयात नातेवाईकांनी अधिक माहिती काय दिली आहे तो व्हिडिओ। छोकरे को कर्जा वाहता असतो, सावकार लोक तंग करे ते कावायचं। क्या नाम है पूरा उसका? सोहेल नदाब। सोहेल ख्वाजा नदाब। क्या करते थे? सिविल बस सिविल में कैंटीन है। किसके पास लिए, क्या कुछ मालूम है तुमको? क्या भी नहीं मालूम मेरे को, उन्होंने ये करा सर। तुमको कैसे मालूम पड़ा उनको? ये बोलता था मैं रोज नहीं रोज बोलता था मेरे को ऐसा था, मेरा कर्जा वेला है, मेरे पैसे दो, मेरे को पैसे दो, पैसे भाई पैसे कहाँ से लाऊँ भाई? चार पाँच बार दे। सौकरा की तकलीफ थी? सौकरा की तकलीफ थी, सौकरा तंग करे थे मेरे। कितने बजे हुआ है हादसा? ये रात के 12 से 1 बजे तक हुआ। तुम कब देखे वहाँ? भाई सुबह में 7 बजे देखा उसको। कैसा क्या कर लिया उसने? वो साड़ी बंद को ये करा हुआ, गले में दारू फांसा लगा लिया। वालेकुम, मेरा नाम सादिक शेख है और मेरे दोस्त शमसुद्दीन नदाब, इनके भांजा सोहेल शेख, इन्हीं नदाब जो है, इन्हीं जो है सौकारों के तंगशी जो है अपनी फांसी लिया है। उन्हीं जो उसको 2-3 बार जो है पैसे हम दिए चुके हैं कि बाबा तो कहीं को इतना परेशान होता क्या होता, उसको बोले हम तो उन्हें बोला कि उन्हें किसको सौकार का नाम लेने को तैयार नहीं है और बोलने को तैयार नहीं था। फिर भी उसे पूछे आज हम वो पूरे सौकारा का कौन है, तो बुला को बटा को उनको क्या तो समझौता कर को उनके पैसे दे को छोड़ेंगे। इन्होंने सिविल चौक के बाजू कोपरे में जो है इनकी एक चाय की गाड़ी है, जो इन्हों जो है माँ बाप को जो है एक बेटा है इन्हीं जो एज बेटा जो है अपनी जो सौकारों के तंगशी जो है उन्हीं जो है फांसी लिया। ऐसा ना होते हुए दूसरा बेटा ऐसा नहीं जाना, हाँ तो दूसरा बेटा नहीं जाना, उसलिए जो है सौकारों पर जो है सख्त से सख्त प्राण सौकार जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन ऐसी विनती करते हैं। कौन है क्या मालूम पड़ेगा किसके पास? कौन सौकार है आज तक उन्हें बोलिया नहीं, उसे कितने 2-3 बार भी पैसे दिए तो भी है ना उन्हें वो कौन से सौकार का नाम बोलिया नहीं क्या नहीं। उसका मोबाइल जो है हमारे को मिला है तो वो मोबाइल को चार्ज कर जो है जो हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। आज हमारे भांजा सोहेल ये सौकारी के टेंशन सी रात को फजर के बाद पहला जो फांसी ले को उसका इंतकाल हो चुका है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ, ऐसा ये हमारा भांजा गया दूसरा किसका बेटा या किसी का भांजा या किसी का मर्द नहीं जाना, ये सौकार गुनाह दाखिल के ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई करे। अभी कैसा घर घर में सौकार हुई जैसा वैसे हुए, वो बच्चा छोटा था उसको क्या मालूमत नहीं क्या नहीं, उन्हें लिया उसको हैंगिंग कर को परेशान हो को हम कितने बार बोले उसको किसको है सामने ला, नहीं मैं करा कर्जा मैं फेरता, मैं करा कर्जा मैं फेरता ऐसा बोल को रात को उसको हैंगिंग कर को जिसके फ़ोन आते थे वो भी मोबाइल उन्हें रखा था, लेकिन अब मोबाइल का पता चल चुका है उसके अंदर जो नंबर हमारे को मिलेंगे किसका किसका सौकार का नाम रहेगा तो हम उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। गया भी हमारा लाल गया किसके माँ का बेटा भी जाना नहीं, ये हम पुलिस प्रशासन से नम्र विनती करते हैं कि सौकार गुनाह दाखिल ये जल्दी से जल्दी हमारे को न्याय मिले।